Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing good. आज हम ये बहुत ही मज़ेदार से रेड वेलवेट कपकेक्स बनाएंगे. बहुत ईजी रेसिपी है, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर रेसिपी. वी विल स्टार्ट विद 1 and 2/3 कप्स ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर, 2 tablespoons कोको पाउडर, 1 cup ग्रैन्युलेटेड वाइट शुगर, a good pinch of salt, 1 teaspoon baking powder, 1/4 teaspoon baking soda. ये सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको एक विस्प से अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे. अच्छा, 3/4 cup बटर जो हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है उसको इस तरीके से टेबलस्पून के फॉर्म में या क्यूब्स के फॉर्म में आपने इसके अंदर ऐड करना है. फिर इसको हम मिक्स करेंगे. इसको पहले थोड़ा सा मैं स्पैचुला से मिक्स कर लूं. हमने इसको इतना मिक्स करना है कि ये जरा सैंडी सा एक ये मिक्सचर जो है बटर के साथ मिक्स होके बन जाए. ये देखिए, जिस तरह सैंड होती है उस तरीके का इसका लुक आ गया है. अब हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है इनको जरा साइड पे रख देंगे. 3/4 cup मैंने बटर मिल्क ले लिया है. इसमें हम 3 eggs डालेंगे. eggs हमारे रूम टेम्परेचर पे रखे हुए होने चाहिए. टेबलस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो डालेंगे हम इसमें. एंड सिंस ये रेड वेलवेट केक है तो इसके अंदर रेड कलर तो हमें डालना होगा, फूड कलर. अगर आपके पास जेल फूड कलर है तो वो कम डालना होता है. मेरे पास ये वाटर बेस्ड है तो ये आप अपने हिसाब से जो जितना डार्क कलर आपको अच्छा लगता है उतना आप इसके अंदर डाल दीजिए. क्योंकि ये जो हमारा लिक्विड बैटर है ये जब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिलाएंगे तो वो हल्का भी होगा कलर. तो उस हिसाब से आप अपने पसंद के हिसाब से इसका कलर जो है एडजस्ट कर लीजिए फूड कलर डाल के. इसको सिंपली मिक्स कर लेंगे अच्छे से. ये देखिए, हमारे पास बड़ा अच्छा सा एक कलर डार्क पिंक सा आ गया है. आई थिंक दिस इज इनफ. अब इसको हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ग्रेजुअली ऐड करेंगे. इसके अंदर पहले मैं स्पैचुला के साथ ही मिक्स करूंगी. ये देखें कितना अच्छा सा पिंकिश सा हमारे पास ये बैटर रेडी हो गया. इसको मैंने स्पैचुला से थोड़ा मिक्स किया है. अब हम इसको मिक्सर जो है हमारा इलेक्ट्रिक मिक्सर उससे थोड़ा सा मिक्स करेंगे. बैटर अच्छा सा मिक्स हो गया है. अब हम इसको बस कपकेक लाइनर्स में ट्रांसफर करेंगे और बेक करेंगे. कपकेक ट्रे मैंने लाइनर्स से लाइन कर ली है. बस इसके अंदर अब हम स्कूप आउट करेंगे और इस टाइम पे आप अपना ओवन जो है उसको 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट कर लीजिए. ये हमारे कपकेक्स जो हैं उनका बैटर लाइन मैंने कर लिया. इसको आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट्स के लिए बेक कीजिए और अंटिल इसके अंदर से स्क्यूअर ड्राई निकले. हमारे बेहतरीन से कपकेक्स बनकर निकल आए हैं ओवन में से. इनका कितना अच्छा पिंकिश सा टिंज आया है इनके ऊपर. इनको इसमें से मोल्ड में से निकालते हैं. एक कपकेक जो है इसका ये लाइनर हम निकाल के देखते हैं. तो खूबसूरत हमारे कपकेक्स बने हैं. इसका कितना अच्छा पिंक कलर आया है. इसको कट करके देखते हैं. ब्यूटीफुल परफेक्ट कपकेक्स. कुछ कपकेक्स को मैंने लाइनर के अंदर रखा दिया है और कुछ का लाइनर निकाल दिया ताकि इनका पूरा लुक हमें नज़र आए, इनका कलर हमें नज़र आए. इनको थोड़ा सा प्रिटी अप कर देते हैं हम.
बहुत ही मजेदार। मेरे पास ये रेड स्प्रिंकल्स हैं, ये थोड़े से इस पे लगा देते हैं। हमारे ये रेड वेलवेट कपकेक्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। किस कदर माउथ वाटरिंग लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत भी देखने में लग रहे हैं और कितने इजी हैं बनाने में। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।